आज आएगा 6 दिन का बजट, संसद में आएगा नरेंद्र मोदी सरकार का पहला आम बजट। वित्त मंत्री अरुण जेटली दोपहर 11 बजे लोकसभा में पढ़ेंगे बजट भाषण, देश के तमाम वर्गों को वित्त मंत्री से राहत की आस। आर्थिक हालात सुधारने के लिए देश को भी और कड़वी दवा की खुराक दे सकते हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली। आर्थिक सर्वे में वित्त मंत्री ने की है टैक्स प्रणाली को आसान बनाने की वकालत, बजट में किसी बड़े ऐलान से जगी उम्मीद। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आर्थिक सर्वे पर दी प्रतिक्रिया, वित्त मंत्री की संयमित भाषा के लिए की तारीफ। चिदंबरम ने बयान में कहा, मुझे खुशी है कि पिछली सरकार पर उंगली उठाने से बचा गया है। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने और महंगाई कम करने की वित्त मंत्री की प्राथमिकताओं के लिए भी पी चिदंबरम ने की है तारीफ। आम आदमी को आम बजट से राहत की उम्मीद, नौकरी पेशा लोगों को स्लैब में छूट दिए जाने की उम्मीद। फिलहाल 2 लाख तक की आय पर नहीं लगता है कोई टैक्स, सूत्रों के मुताबिक बढ़ सकता है छूट का दायरा। आज तक के सूत्रों का दावा, होम लोन लेने वाले लोगों को भी टैक्स में बढ़ सकती है छूट। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों पर भी नए नियमों से मिल सकती है राहत, सूत्रों के मुताबिक सस्ते किए जा सकते हैं फोन और लैपटॉप। सोमवार को घर से हुई थी चोरी, चोरी के आरोप में अपार्टमेंट का गार्ड, एक बॉडीगार्ड और एक नौकर गिरफ्तार। बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने किया दावा, पुलिस कर रही अपना काम, जल्द होगा सब कुछ साफ। मैं इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन प्रश्न तो जरूर उत्पन्न होता है, इतनी बड़ी धनराशि का मामला है और मैं समझता हूं कानून अपना काम करेगा। गिरिराज सिंह के घर 1.5 करोड़ नकदी के सवाल पर गरमाई सियासत, जेडीयू विधायकों ने विधानसभा में किया हंगामा। जेडीयू विधायकों के हंगामे के बाद ठप हुई विधानसभा की कार्यवाही, तमाम दलों के निशाने पर आई बीजेपी। नेशनल हेराल्ड मामले पर सोनिया गांधी ने तोड़ी चुप्पी, कहा हमारे खिलाफ बदले की भावना से हो रही है कार्रवाई। सोनिया गांधी ने कहा हमें मिला इनकम टैक्स का नोटिस, कहा पूरा मामला राजनीति से प्रेरित। सोनिया ने कहा इस तरह बदले की कार्रवाई हमें और मजबूत होकर उभरने में मदद करेगी। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया राहुल को कोर्ट ने भेजा है समन, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने डाली है याचिका। कांग्रेस ने यंग इंडिया नाम के एक ट्रस्ट को दिया था 90 करोड़ का लोन, सोनिया राहुल समेत 7 लोग ट्रस्टी। मोदी के करीबी अमित शाह को बीजेपी की कमान, बीजेपी मुख्यालय में हुई नए अध्यक्ष की ताजपोशी। अमित शाह के बीजेपी अध्यक्ष बनने पर दिल्ली से गांधीनगर तक जश्न, जमकर हुई आतिशबाजी। राजनाथ सिंह ने किया अमित शाह के नाम का ऐलान, समारोह में पीएम के साथ बीजेपी के सभी दिग्गज थे मौजूद। आडवाणी, जेटली और गडकरी समेत बीजेपी के सभी दिग्गजों की मौजूदगी, सभी ने अमित शाह को दी बधाई। अमित शाह को सबसे पहले आडवाणी ने दी बधाई, प्रधानमंत्री मोदी और राजनाथ सिंह ने भी अमित शाह को दी बधाई। राजनाथ सिंह ने अमित शाह की तारीफ में बांधे पुल, कहा अमित शाह किसी परिचय के मोहताज नहीं। राजनाथ सिंह ने कहा अमित शाह ने बीजेपी को यूपी में जो कामयाबी दिलाई वो अभूतपूर्व। उत्तर प्रदेश में प्रभारी रहते हुए जिस प्रकार की शानदार सफलता उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिलाई है, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में उत्तर प्रदेश में वैसी शानदार सफलता कभी नहीं हासिल हुई। राजनाथ सिंह ने कहा मंत्री बनने के बाद मैंने अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला किया, पार्टी ने सर्वसम्मति से अमित शाह को नया अध्यक्ष चुना। और सर्वसम्मत से श्री अमित शाह जी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपनी सहमति दी है। आज से और अभी से श्री अमित शाह अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे।
अमित शाह के अध्यक्ष बनने पर बीजेपी मुख्यालय में जमकर जश्न, ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरके कार्यकर्ता। महिला कार्यकर्ताओं में भी दिखा जमकर उत्साह, जश्न के दौरान रंग बिरंगी साड़ियों में नजर आई। गांधीनगर में अमित शाह के पैतृक गांव में भी जमकर मना जश्न, बीजेपी अध्यक्ष बनने पर समर्थकों में खुशी। अहमदाबाद में भी जश्न में डूबे बीजेपी कार्यकर्ता, अमित शाह के अध्यक्ष बनने पर जमकर आतिशबाजी। लखनऊ और कानपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, अमित शाह के अध्यक्ष बनने पर खुशी से झूमे समर्थक। कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, मैं अमित शाह को नहीं जानता, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। अमित शाह को तो मैं जानता नहीं, सो आई डोंट नो व्हाट डू आई कमेंट ऑन मिस्टर, जिसको मर्जी बना ले बीजेपी, हु केयर्स वेदर ही इज मिस्टर ए और मिस्टर बी और मिस्टर सी, डजंट बॉदर मी एट ऑल, लेट देम, दैट्स देयर पार्टीज अफेयर, उनको करने। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने कहा, जिस रास्ते पर बीजेपी जा रही है उसमें यह होना लाजिमी था। जिस रास्ते पर चल पड़ी है उसमें ये सब बातें स्वाभाविक है और ये उनके दल का अंदरूनी मसला है, इसमें हम लोगों का कोई दखल नहीं। प्रीति जिंटा ने स्वाडिया विवाद में नया मोड़, प्रीति जिंटा ने पुलिस को कुछ तस्वीरों के रूप में सौंपे नए सबूत। तस्वीरों में दिखाई दे रही है प्रीति जिंटा की चोट, प्रीति का दावा 30 मई को वानखेड़े स्टेडियम की घटना में नेस के हाथ मरोड़ने से लगी चोट। मुंबई पुलिस ने फोटोग्राफ्स के जरिए शुरू की जांच, केस के लिए अहम साबित हो सकते हैं नए सबूत। प्रीति के दिए नए सबूतों में प्रीति जिंटा की मेडिकल रिपोर्ट भी शामिल, वानखेड़े स्टेडियम की घटना के बाद कराया गया था मेडिकल। अगले 3 दिन में पुलिस कर सकती है नेस के गवाहों से पूछताछ, नेस वाडिया पर भी कस सकता है शिकंजा। दिल्ली की पूर्व सीएम और केरल की राज्यपाल शीला दीक्षित का दिल्ली दौरा, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। मुलाकात के बाद शीला दीक्षित ने मुलाकात को बताया रूटीन मीटिंग, नई सरकार बनने के बाद गृह मंत्री और पीएम से पहली मुलाकात। शीला दीक्षित ने राज्यपाल पद छोड़ने या ट्रांसफर जैसी किसी संभावना से साफ किया इनकार, कहा केंद्र से नहीं डाला जा रहा किसी तरह का दबाव। वाराणसी को पीएम मोदी का तोहफा, सूत्रों के मुताबिक सुल्तानपुर वाराणसी सेक्शन में 4 लेन का होगा NH 56। देर शाम खत्म हुई कैबिनेट मीटिंग में NH 58 को 6 लेन करने, दिल्ली मेरठ के बीच एक्सप्रेसवे बनाने और NH 235 को विकसित करने का भी हुआ फैसला। अमृतसर में भारत पाक सीमा पर BSF की बड़ी कामयाबी, तस्करों से भारी मात्रा में हथियार और जाली नोट बरामद। ₹7,83,000 के नकली नोट जब्त, पाकिस्तान की ओर से लाई जा रही थी नकली करेंसी। 250 ग्राम अफीम और 4 किलो हेरोइन भी की गई जब्त, BSF की पेट्रोलिंग पार्टी ने गोलीबारी करने के बाद पाई कामयाबी। कुंडा के सीओ जियाउल हक मर्डर की क्लोजर रिपोर्ट पर कोर्ट ने उठाए सवाल, CBI नहीं दे पाई कोर्ट के ज्यादातर सवालों के जवाब। जियाउल हक मर्डर की CBI को दोबारा जांच के आदेश, पत्नी परवीन आजाद ने फिर बताई सरकार की साजिश। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल अजीज कुरैशी ने दी इफ्तार पार्टी, कई बड़े नेताओं समेत हजारों लोग हुए शामिल। रितेश देशमुख की मराठी फिल्म ले भारी की स्पेशल स्क्रीनिंग फिल्म देखने पहुंचे MLS चीफ राज ठाकरे। कानपुर में नगर निगम की लापरवाही के शिकार हुआ सांड, सीवर के मेनहोल में गिरने के बाद बाल बाल बची जान। मेनहोल खुला होने की वजह से हुआ हादसा, घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मेनहोल से निकाला गया सांड। मानसून में कमी के चलते देश भर में गर्मी से लोग परेशान, वडोदरा में लोगों ने की बरसात के लिए प्रार्थना। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में हैवानियत की हद, रेप के एक मामले में गवाही से रोकने के लिए लड़की से गैंगरेप।
नोएडा के सेक्टर 62 में बेहोशी की हालत में मिली लड़की, दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार की। पीड़ित लड़की को सिगरेट से दागा गया, दरिंदों ने पीड़ित का एमएमएस भी बनाया। पीड़ित के मुताबिक गैंगरेप के बाद दरिंदों ने उसे जान से मारने की कोशिश की, किसी तरह बचाई जान। गैंगरेप का मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, दिल्ली में भी उस पर रेप का केस दर्ज। दिल्ली और नोएडा पुलिस मामले की जांच में जुटी। बीती रात गोलियों की आवाज से दिल्ली दिल्ली बवाना में बदमाशों ने फायरिंग की, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। बदमाशों की फायरिंग में बाल बाल बचा पुलिस का जवान, बदमाशों का पीछा करने पर बदमाशों ने की फायरिंग। घटना के बाद गुस्सा, लोगों ने पुलिस पर उतारा जमकर गुस्सा, घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, पीसीआर वैन तोड़ी। घर के बाहर बैठे दाऊद और बादल नाम के युवकों पर बदमाशों ने किया था हमला, घायलों ने कुछ दिन पहले चोरी के आरोपियों को कराया था गिरफ्तार। स्थानीय लोगों के मुताबिक इसी रंजिश में हुआ युवकों पर हमला, हमलावरों ने पकड़वाए हुए चोर के भाई भी शामिल, घटना की जांच में जुटे पुलिस। पूर्व दिल्ली के कृष्णनगर में कैंची गैंग का पर्दाफाश, रात के वक्त ऑटो में बिठाकर मुसाफिरों से करते थे लूटपाट। आमतौर पर आनंद विहार बस अड्डा और उसके आसपास के इलाकों में वारदात को देते थे अंजाम, कैंची से वार कर यात्रियों को करते थे घायल। यूपी में फिर हुई दरिंदगी, संभल में नाबालिग दलित लड़की से घर में घुसकर हैवानों ने बंदूक की नोक पर किया बलात्कार। लड़की के भाई ने की बहन की अस्मत बचाने की कोशिश, लेकिन हथियार के बल पर दरिंदगी करने के बाद फरार हुए बदमाश। घटना के बाद से दोनों आरोपी फरार, पुलिस ने सीएसटी एक्ट और रेप की धाराओं के तहत किया मामला दर्ज। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची अर्जेंटीना, जर्मनी से 13 जुलाई को होगी खिताबी भिड़ंत। दूसरे सेमीफाइनल में नीदरलैंड को हराकर अर्जेंटीना ने फाइनल में बनाई जगह, पेनल्टी शूटआउट में हुआ मैच का फैसला। बेहद रोमांचक मैच में नहीं हो पाया कोई गोल, एक्स्ट्रा टाइम में भी दोनों तरफ से खेला गया बेहद आक्रामक खेल, पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से अर्जेंटीना ने मारी बाजी। अर्जेंटीना के गोलकीपर सर्जियो रोमेरो का बेहतरीन खेल पड़ा नीदरलैंड पर भारी, पेनल्टी शूटआउट में बचाए 2 मुश्किल गोल। दोनों सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों के बीच 12 जुलाई को तीसरे नंबर के लिए होगी भिड़ंत, नीदरलैंड और ब्राजील की टीमों में होगा मुकाबला। नॉटिंगहम में पहले टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया की स्थिति मजबूत, 4 विकेट के नुकसान पर बनाए 259 रन। मुरली विजय ने जड़ा नाबाद, शतक तो धोनी ने बनाया अर्धशतक, खेल खत्म होने पर धोनी 50 और मुरली विजय 122 रन बनाकर नाबाद। अंग्रेज गेंदबाजों को पूरा दिन छकाते रहे मुरली विजय, 122 रनों की नाबाद पारी में लगाए 20 चौके और एक छक्का। चेतेश्वर पुजारा ने बनाए 38 रन तो रहा ने 32 रन बनाकर हुए आउट, शिखर धवन केवल 12 रन बनाकर हुए आउट। पहली पारी में नहीं चला विराट कोहली का बल्ला, केवल 1 रन बनाकर ब्रॉड का शिकार बने कोहली। इसराइल के हवाई हमले में न्यूज चैनल की कार पर हमला, कार के ड्राइवर की मौत, गाजा शहर में हुआ हमला। इसराइल के एक अन्य हवाई हमले में गाजा शहर की सीमा पर 6 लोगों की मौत हो गई, लगातार हो रहे हवाई हमलों में मरने वालों का आंकड़ा 50 के पार पहुंचा। जॉर्डन में इजरायली दूतावास के बाहर विरोध और प्रदर्शनों का दौर, गाजा शहर में हो रही कार्रवाई के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान में 15 जून को शुरू हुआ ऑपरेशन जर्ब ए आब के बाद मीरान शाह के 80% हिस्से से तालिबान का सफाया, ऑपरेशन कमांडर ने किया दावा। न्यूयॉर्क पुलिस ने पुलिस एथलेटिक लीग के 100 साल पूरे होने का मनाया जश्न, लीग के दौरान बच्चों के लिए खेल कूद की प्रतियोगिताओं का होता है आयोजन।